नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग, आप लोग देख रहे हैं पॉम टॉय अनुराग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर जो आपको निपल दिखाई पड़ रहा है ये नॉर्मल है, मेटिंग के दिन का है। अब जो आपको निपल दिखाई पड़ रहा है ये मेटिंग से जब 30 डेज का हो जाता है तब का होता है। और दोस्तों अभी जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो तब होता है जब आपका डॉग 40 डेज के आसपास का हो जाता है। और अभी जो आपको निपल दिखाई पड़ रहा है ये 60-62 डेज के आसपास ऐसा निपल हो जाता है। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉम टॉय अनुराग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमारे साथ ये लैब्राडोर है और ये अभी 40 डेज की प्रेग्नेंट डॉग है। अब मैं आज आपको बताऊंगा कि आप लोग स्टार्टिंग से कैसे अपने डॉग को देख सकते हो कि आपका डॉग प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है, क्योंकि मेटिंग करवाने के बाद बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और कुछ लोग तो टेंस्ड भी रहते हैं कि लैब्राडोर जो मेटिंग किया है या फिर जर्मन शेपर्ड मेटिंग किया है, कोई भी डॉग मेटिंग किया है तो कंसीव किया या फिर नहीं किया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मात्र ऐसा ट्रिक बताऊँगा जो आप 2 मिनट में कन्फर्म हो जाओगे कि आपका डॉग कंसीव किया है कि नहीं, मात्र 20 डेज पे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि मेटिंग से 20 दिन के बाद तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। और दोस्तों 20 दिन के बाद लगभग 30 दिन के आसपास जो इसका निप्पल है वो निप्पल पहले तो एकदम सटा हुआ रहेगा। अगर फर्स्ट टाइम फीमेल है तो पहले तो एकदम चिपका हुआ रहेगा और उसके बाद 30 दिन के आसपास ऐसा ऐसा सामने से निकल जाएगा। जो लेंथ है पहले तो छोटा था, फिर बाद में वो निकल जाएगा और पिंक टाइप का हो जाएगा, जैसा आपको इस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा ऐसा पिंक अगर हो गया तो आप लोग समझ जाइए कि फीमेल कंसीव कर चुकी है, पपीज़ देगी। अब दोस्तों पहली बार जो मेटिंग होता है उस टाइम पे पपीज़ कम भी हो सकते हैं, लाइक 2 पपी हो सकता है, 4 पपी हो सकता है, कभी कभी 8 भी हो जाता है, बट पहले टाइम में कम ही होता है अक्सर, दूसरे टाइम में ज़्यादा होता है। अब दोस्तों 30 डेज पे आपने समझ लिया कि ये निप्पल का साइज़ बड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको 30 डेज से पहले ही पता करना है कि आपका डॉग प्रेग्नेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो उसके लिए मार्केट में एक किट आता है जो कि 1200 रुपये का होता है, जिसको रिलैक्सिन हार्मोन टेस्ट किट कहते हैं या फिर रैपिड प्रेगनेंसी किट कहते हैं। वो एक किट 1200 रुपये का आता है। अब दोस्तों 30 दिन के बाद क्या होगा कि जब 40 दिन के आसपास का आपका डॉग होगा या फिर पपी होगा, तो उसका जो निप्पल है और साथ ही साथ जो ब्रेस्ट है पूरा जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये सबका साइज़ बढ़ने लग जाएगा, ऊपर वाले का भी साइज़ बढ़ जाएगा। पहले तो 30 दिन के आसपास केवल निप्पल बाहर निकलेगा, बट 40 दिन के आसपास क्या होगा, ये जो पूरा ब्रेस्ट है उस सभी का साइज़ बढ़ने लगेगा। और जब बीच में आप देखोगे तो वो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि बीच में कुछ दोनों साइड भरा भरा हुआ टाइप का है और उसका साइज़ इंक्रीज होता चला जाएगा। ये 40 दिन के आसपास का है। अब दोस्तों जैसे जैसे दिन होते जाएगा उसका साइज़ ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा और आपको एकदम कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये तो पक्का प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब दोस्तों किसी किसी डॉग में ये शो नहीं भी होता है और बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है कि ये सारा कुछ शो भी हो जाता है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है, जिसको हम फॉल्स प्रेगनेंसी बोलते हैं या फिर सीडो प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब दोस्तों एक फैक्ट मैं आपको और बतलाना चाहता हूँ, जब आपका डॉग 40 दिन का आसपास का हो जाता है, 45 दिन के आसपास का हो जाता है, तब आप उसका एक्सरे भी करवा सकते हो। दोस्तों एक्सरे का जो नॉर्मल चार्जेज होता है 250-250 रुपये होता है, उसमें आप अपने डॉग का जो स्टोमक है उसका आप लोग स्कैनिंग करवाओगे तो इसमें पप्पीज़ का जो स्केलेटन सिस्टम है पूरा स्केलेटन आ जाएगा, इसमें आप गिन सकते हो कि कितने पप्पीज़ हैं। और ये करवाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पप्पीज़ के अंदर 1-2 बच्चे रह ही जाते हैं, तो डिलीवरी के बाद आपको कन्फर्म रहेगा अरे मैंने तो पिक्चर में देखा था 7 पप्पी है, 6 ही पप्पी हुआ है, तो ऐसे में आप मेडिकल कंडीशन समझ पाओगे और डॉक्टर के पास भी ले जाओगे। अब दोस्तों आप लोग अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हो इस लगभग 40-45 दिन के आसपास का, अगर अल्ट्रासाउंड नहीं है तो आप लोग एक्सरे भी करवाइए जो कि बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉग के बिहेवियर में क्या अंतर आएगा। दोस्तों डॉग के बिहेवियर में क्या होगा कि पहले ये जो बहुत एक्टिव रहती थी, अब धीरे धीरे जो इसका एक्टिवनेस है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, ज़्यादा सोना पसंद करेगी, ज़्यादा बैठना पसंद करेगी, बट कोई कोई डॉग वो ऐसा नहीं करती है,
बट आप लोग ऐसा मत सोचेगा कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, उस डॉग को मतलब पता नहीं चल पाता है या फिर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो इसके वजह से होता है। लेकिन मोस्टली जो डॉग होते हैं वो रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, ज़्यादा बैठना पसंद करेंगे। और बैठने का जो पोजीशन है आप लोग इस पिक्चर में देखिए, दोनों पैर बाहर करके फिर ऐसे बैठेंगे तो बैठने में आपको भी चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। और जो इसका भूख है वो भी धीरे धीरे आपको कम होता दिखाई पड़ेगा कि पहले बहुत ज़्यादा खाता था, अब ये खाना भी कम खा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग डॉक्टर से बात करिए, और साथ ही साथ आप लोग अगर चाहो तो हमारी टीम में भी डॉक्टर हैं, आप लोग उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर डॉग खाना बंद कर दिया एकदम से तो इसमें क्या होगा कि जो पप्पीज़ हैं वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगे, इसलिए खाना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मल्टीपल मील अपने डॉग को दीजिए। जैसे जैसे वो खाना कम करता है वैसे वैसे उसका मील बढ़ाते जाइए। पहले आप 2 टाइम देते थे, फिर 30 दिन के आसपास आप उसको 3 टाइम दीजिए, 40 दिन के आसपास आप उसको 4 टाइम दीजिए, 50 दिन के आसपास उसको 5 टाइम दीजिए। तो ऐसे करके आप अपने डॉग का जो खाना है वो कम करिए और ज़्यादा बार दीजिए। तो इससे क्या होगा कि पपीज़ भी अच्छे तरीके से होंगे, इसका डाइजेशन भी सही तरीके से होगा। तो आपने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया कि आप अपने डॉग का प्रेगनेंसी कैसे चेक कर सकते हो। और दोस्तों जो डाइट है वो डाइट आप लोग को काफ़ी अच्छा रखना है ताकि पपीज़ के जो क्वालिटी हैं वो आपको अच्छे मिलेंगे और जो फीमेल डॉग है वो भी काफ़ी अच्छा रहे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोग कंजूस हो चुके हो, कमेंट करोगे तो ही मुझे पता चल पाएगा कि ये वीडियो आपको कितना ज़्यादा हेल्प कर पाया है। और दोस्तों इस चैनल पे ऐसा ही नहीं, इससे भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं और आएंगी भी। तो वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही रेड कलर में आपको नीचे सब्सक्राइब मिलेगा और बाद में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियोज़ में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और साथ ही साथ आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो ज़रूर करिए। दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।